आदरणीय खड़गे जी, यहां पे ड्रोन उड़ रहे हैं, ड्रोन फोटो खींचने के लिए। हमारे मध्य प्रदेश में अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये दो ड्रोन की तरह मध्य प्रदेश के आसमान पे बार बार मध्य प्रदेश की तस्वीर बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। अभी लखन घनघोरिया ने कहा कि 12 तारीख को नरेंद्र मोदी जी यहां आए थे, संत रविदास जी के मंदिर का शिलान्यास करने। साथियों, अब नरेंद्र मोदी को भी, अमित शाह को भी और शिवराज चौहान को भी संत शिरोमणि रविदास जी की भी याद आएगी, बाबा साहेब अंबेडकर की भी याद आएगी। वो समझ गए कि इनके चरण में गिरे बिना ना मध्य प्रदेश का ना देश का उद्धार है। साथियों, एक बात बता दूं आपको, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, कर्नाटक के चुनाव में नरेंद्र मोदी की 60 सभाएं हुई, 60 रैलियां हुई। हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की 40 रैलियां हुई, लेकिन कर्नाटक की जनता ने देख लिया कि एक सत्ता लोलुप प्रधानमंत्री जो केंद्र सरकार को ताला लगा के एक महीने कर्नाटक में डेरा डाल लिया, पूरे मंत्रिमंडल को लेके कर्नाटक की जनता समझदार है। वो समझ गई कि ये सत्ता लोलुप की सरकार नहीं बनाना, हमारे नेता के कदम पड़े और कर्नाटक में सबसे पहले कांग्रेस की सरकार बनी। आज उनके कदम मध्य प्रदेश की धरती पे पड़े हैं। कमलनाथ जी के साथ ये विश्वास है कि जहां मल्लिकार्जुन खड़गे साहब चुनाव का आगाज करने जाएंगे, वहां वहां कांग्रेस की सरकारें डंके की चोट पे बनेंगी। और एक बात आखिरी बता दूं कि 12 तारीख को तो आपने मोदी जी अनुसूचित जाति के लोगों को लुभाने के लिए मंदिर का शिलान्यास किया, लेकिन ये याद रखना इस मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में दलितों और आदिवासियों पे कहीं अत्याचार सबसे ज्यादा हो रहा है वो मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश का अनुसूचित जाति जनजाति का मेरा साथी, ये बता दूं कि मंदिर बने बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे दलित भाई के स्वाभिमान को खरीद नहीं पाओगे। मेरे दलित भाई का स्वाभिमान तुमसे कहीं ज्यादा बड़ा है, कहीं ज्यादा ताकतवर है। आखिरी बात कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कहा कि भारत को कांग्रेस मुक्त बनाना है, तो इस मंच से एक हुंकार सुन लो, नरेंद्र मोदी, शिवराज चौहान, हस्ती मिटा दे हमारी, ये तुझ में दम नहीं, अरे हम भी तुम्हारे बाप है, किसी से कम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।